पटना सिटी का वो इलाका है जो अनएक्सप्लोर्ड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। पटना का मौसम देख रहे हैं आप, कितना खतरनाक मौसम हो रहा है। खतरनाक लैंग्वेज मतलब होता है अच्छा वाला, है ना। आप देखिए जरा पीछे कितनी ज़बरदस्त बिजली कड़क रही है, और ये मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मुझे इंट्रो शूट करने का मन अभी ही किया है। तो आज का जो व्लॉग है उसमें बहुत मेहनत किया मैंने, और ऐसी ऐसी जगहों पर गया हूँ जिसे देख करके आप भी सोचेंगे कि यार इतना खूबसूरत पटना पर देखने का नज़रिया चाहिए। तो चलिए फिर इस खूबसूरत मौसम के साथ कुछ मेरी बालकनी की फुटेज, और उसके बाद शुरू करते हैं व्लॉग को। तो गाइस, पटना सिटी में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये देखिए ये एरिया है प्रतिबंधित क्षेत्र, ये पूरा सील किया गया एरिया, और यहाँ पर ये बोर्ड भी लगाया गया है COVID-19 प्रतिबंधित क्षेत्र, मतलब कि इसके अंदर आप नहीं जा सकते क्योंकि इस एरिया से, इस मोहल्ले से कोरोना पॉजिटिव मिला है। और अभी फ़िलहाल पटना सिटी में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अरे यार एक और, ओ हो, ये भी एरिया सील है और इसमें भी प्रतिबंधित क्षेत्र लगाया गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना ख़त्म कब होगा। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ ओनली वे, पूरा घेर दिया गया है। सील में इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर आपको लेना भी है तो इसका बाहर से ही लेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग अभी नाला पर हैं, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता हो कि मैं दूसरी बार यहाँ का वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी प्रशांत भाई से मिलने के लिए। हाँ वही जिन्होंने पिछली बार धोखा दिया था। ये पुल यहाँ पर एंड हो चुका है, और प्रशांत ने मुझे बोला था कि यहीं पर वेट करने के लिए, शायद वो आ रहा है। प्रशांत कहाँ हो? घर पे। निकला नहीं क्या? मैं खड़ा हूँ पुल के लास्ट में। बस दो मिनट। मुझे बोला था कि मैं वेट कर रहा हूँ, और वो अभी तक घर ही पर है यार। ये पटना सिटी का चौक वाला इलाका है, रश कम है यहाँ पर। ये गुरु गोविंद सिंह फ्लाई ओवर ओतरी साहेब निवास, मेरे नाम से निवास बन गया भाई चौक में, क्या बात। राइडिंग में अपना मजा है, लेकिन अगर राइडिंग घोड़े की हो तो फिर क्या बात है। बहुत जबरदस्त भाई, क्या जबरदस्त है। प्रशांत बाबू आ गए यहाँ पर। इस बार कह रहे धोखा नहीं दे, पहले सैनिटाइज करो यार। मैं पॉकेट में हैंड सैनिटाइजर लेके चल रहा हूँ आजकल, उसके बाद हम लोग मिलेंगे। देख लीजिए आप आएंगे चौक पर तो आपको साहेब निवास मिलेगा, लेकिन ये मेरा नहीं है। लोग पहुंचे हैं मंगल तालाब। सोचा था कि आया था यहाँ पर तो आपको दिखाई दूं, क्योंकि आप लोग कई बार वीडियो में रिक्वेस्ट करते हो कि आप मंगल तालाब नहीं जा रहे हो यार, एक बार घुमा दो। बारिश हो रही है यहाँ पर तो पानी जमा के भर गया है, लेकिन भाई खूबसूरत है वाकई। यहाँ पर आने के मैं बहुत दिन से सोच रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था। यहाँ की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूँ कि ये लेजर शो होता है यहाँ पर। लॉकडाउन से पहले हो रहा था क्या? पर डे शाम के 7 बजे, 6-7 बजे पर डे। सिर्फ प्रकाश पर्व में हुआ था? नहीं, कंटिन्यू रहा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा सिनेमैटिक देखिए आप, तब तक हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना आगे बढ़ने के। अभी पसीना ज्यादा हो रहा है यार, गर्मी भी आज बहुत ज्यादा। यही वो प्लेस है जहाँ पर लेजर शो होता था, और वो जो सामने स्टेडियम बना है ना, वहीं पर बैठ के लोग देखा करते थे। दिस इज द प्लेस, यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील होता है। ये सीढ़ी आप नीचे देखिएगा ना, ये सीढ़ी एकदम बिल्कुल नीचे तक जाती है, काफी अच्छा भी लगेगा आपको। तो ये जो दिख रहा है ना, ये फ्लावर जो बना है सनलाइट से चार्ज होने वाला, इसमें लगा है सोलर सिस्टम, और उससे फिर यहाँ की लाइटें जलती हैं। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत मजा आता है देखने में। मैं आपको मछलियाँ दिखाता भी हूँ। फाइनली हम लोग अभी मंगल तालाब से निकल रहे हैं, वापसी कर रहे हैं अभी। प्यारी प्यारी ये पर्पल कलर की पेंटिंग्स है ना दीवारों के ऊपर। और ये सामने अभी आप देख सकते हैं तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं।
अभी हम लोग कंगन घाट पर है और आप देख सकते हैं प्रशांत जैसा कि बता रहा है कि यहाँ पहले बहुत भीड़ होती थी नहीं? अरे यहाँ से पूरे आप समझ लीजिए कि पूरी सीढ़ी बुक रहती थी। अच्छा, शाम के और ऊपर तो आपको आने का मौका नहीं मिल पाता उतनी भीड़ में। पानी बहुत बढ़ गया नहीं, एकदम यहाँ तक पानी आ गया। बहुत ज्यादा आगे हम लोग जाया करते थे जब नहाने आया करते थे दोस्त लोग के साथ। नहाया भी यहाँ पे बहुत ज्यादा। अरे अब तो काफी सीढ़ी तक पानी आ गया। हाँ, तो पहले से पानी बढ़ गया है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी गंगा का पानी उतना नहीं बढ़ा जितना और नदियों का बढ़ रहा है। कंगन घाट काफी ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो घाट पे जो ये डोम शेप बनाए हुए हैं ना, ये डोम शेप भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। वक्त आ चुका है कंगन घाट से विदा लेने का और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कंगन घाट आएंगे तो आपको एक चीज और भी बहुत यहाँ की फेमस है, वो है यहाँ की चाय। कंगन घाट वाली चाय बहुत फेमस है, एक बार टेस्ट करके मैं भी देखा तो वाकई में चाय अच्छी है। मतलब कि अगर ये वाला व्यू हो और फिर अगर उसके साथ ये चाय हो भी कुल्लड़ वाली, तो इसकी बात ही कुछ और हो जाती है। तो फिलहाल हम लोग अभी कंगन घाट से निकले हैं और इस स्टोरी को एंड करना है तो एक अच्छा सा प्लेस ढूंढना पड़ेगा। और हर तरफ ये जो मधुबनी पेंटिंग्स है ना पटना में, आपका दिल जीत लेती है भाई। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैं पटना में ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये तो गाय है ना चाचा, ये और ये भैंस है। अच्छा, जर्सी गाय इसको बोलता है क्या? अच्छा, ये दूध बहुत अच्छे से देती है। और बिल्कुल ये जो घर देखिए आप, ये पुराने पुराने स्टाइल्स के ही है। और मैं बिल्कुल आ ही गया हूँ एक तरह से देखिए तो। ये पटना सिटी का वो इलाका है जो अनएक्सप्लोर्ड है और ये इसका बच्चा भी है यहाँ पर। क्या जबरदस्त वाला व्यू आ रहा है यहाँ पर। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी, वैसे वैसे व्यू और ज्यादा खूबसूरत हो रहा है। हाय, और प्रशांत आज मेरे गाइड हैं। मैं प्रशांत का शुक्र अदा नहीं कर सकता और इनको सैनिटाइजर का बोझ उठाने के लिए मैंने दे दिया है। और हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं और ये वाला मेरा बैग भी प्रशांत ही उठा रहे हैं। आराम से प्रशांत भाई, आराम से। यहाँ पे ये बहुत डेंजर चीज है भाई। चाचा प्रणाम, ठीक है? ये पौधा कहाँ से ला रहे हैं? गंगा किनारे से, वहाँ पे उगा हुआ था क्या? चलिए ठीक। तो अभी हम लोग SGGS कॉलेज घाट पर हैं और ये व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू लग रहा है। इसी के लिए हम लोग आज पहुँचे थे यहाँ पर। प्रशांत ने हमें कंगन घाट भी घुमा दिया, प्रशांत ने हमें मंगल तालाब भी घुमा दिया और हम लोग यहाँ पर GGS कॉलेज घाट पर ही पहुँच गए। यहाँ पर स्काई एकदम वाइट है और जैसे ही हम लोग ऐसे बेंड करते हैं तो वहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी इंडलेस है, इसका कहीं पर अंत नहीं है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। आप बताइए कमेंट करके कि क्या आपने इस वाले पोर्शन को कभी देखा था एक्सप्लोर होते हुए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, इससे पहले शायद ही कोई आकर के यहाँ पर ब्लॉग कर रहा होगा। और ये वाला व्यू जो है ना, आपको शायद ही कहीं मिलेगा और ये व्यू तो कहीं नहीं मिलने से रहा भाई। आप देखिए एक बार, जबरदस्त वाला व्यू था भाई। तो फिर चलिए आपका भाई साहब मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। प्रशांत अभी मजा ले रहा है नजारों का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।